दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। एक वो जिसका अस्तित्व हमारे इस दुनिया में होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा वो जो इस दुनिया के परे है, मतलब इसके बियॉन्ड है। अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिल जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप उस आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से इस भौतिक दुनिया में कितने चमत्कार कर सकते हो। और तीसरी आंख हमें उन्हीं सब आध्यात्मिक चीजों को देखने, महसूस करने और आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करने में मदद करती है। मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी फैक्टेक कम्युनिटी आप लोग ऐसी सुपर नेचुरल यानी अलौकिक चीजों पर विश्वास करते हो, ऐसी चीजों पर जो इस रियलिटी यानी वास्तविकता के भी आगे है, उन चीजों पर जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते पर वो होती है। रहस्यमय चीजों को जानना इंसान का बेसिक नेचर है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक चीजों पर विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम इस दुनिया की दीवारों को तोड़ के आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ सकते हैं और उन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक दुनिया कोई बोरिंग सी दुनिया नहीं है जो हम टिपिकली सोचते हैं, ये सुपर पावर्स की दुनिया है। अगर आप साइंस यानी विज्ञान को पूरी तरह से मानते हो तब आपको भी इस इंफॉर्मेशन को सुन लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया और विज्ञान की दुनिया अलग अलग नहीं है। विज्ञान जिन जिन बातों की खोज आजकल के समय में क्वांटम फिजिक्स में कर रहा है, हमारी भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक दुनिया को आप एक जादुई दुनिया कह सकते हो, जहाँ पे कुछ भी संभव है, वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये तीसरी आंख उन 7 चक्रों में से एक है। हर चक्र आपके अंदर मौजूद अलग अलग विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की जो शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है, और आप उन काम को कर पाओगे जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। इसकी मदद से आप उन सब चीजों को देख सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं देख सकते। इसके खुलने के बाद आप उन चीजों को सुन सकते हो जो एक आम इंसान को नहीं सुनाई देती, और उन चीजों को महसूस कर सकते हो जो एक दूसरे आयाम में मौजूद है। सबसे अजीब बात ये है कि ये तीसरी आंख हर इंसान के अंदर मौजूद है, पर ये एक्टिवेटेड यानी सक्रिय नहीं रहती, इसे सक्रिय करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई मिथ नहीं है। बहुत कोई ये सोचते हैं कि तीसरी आंख जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मैं आपको बता दूं कि इसकी अस्तित्व को विज्ञान ने भी साबित किया है। बायोलॉजिकल विज्ञान के टर्म में इसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे दिमाग में दो हेमिस्फीयर हैं। ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये आपके दोनों हेमिस्फीयर के बीच में मौजूद है। इसकी साइज सिर्फ एक मटर के दाने जितनी होती है। विज्ञान ये कहता है कि इसे आज तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। विज्ञान को बस ये पता है कि ये एक केमिकल को रिलीज करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, और ये हमारे जगने और सोने को कंट्रोल करता है। जो भी हो, इस पाइनियल ग्लैंड का आखिर हमारे शरीर में काम क्या है वो किसी को नहीं पता। विज्ञान भी आज तक पाइनियल ग्लैंड को नहीं समझा सका। पाइनियल ग्लैंड अभी एक रिसर्च के स्टेज में है। आप इन बातों को सुन के शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर ये दिमाग में मौजूद एक ग्लैंड है तो इसे आखिर थर्ड आई क्यों कहते हैं, थर्ड आई यानी तीसरी आंख क्यों कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसकी अलाइनमेंट हमारे माथे में मौजूद इस जगह पे होती है। इस दुनिया में बहुत सारे आध्यात्मिक परंपराओं में इसे माना गया है, और ये माना जाता है कि तीसरी आंख के खुलने के बाद हम किसी भी चीज को बहुत गहराई से देख पाते हैं और आपकी बुद्धि हजारों गुना बढ़ जाती है। पाइनियल ग्लैंड को आत्मा की निवास की जगह भी मानी जाती है। ये कहा जाता है कि आत्मा इसी जगह पे निवास करती है। तीसरी आंख को खोलना उतना आसान भी नहीं है। आपकी शरीर की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तभी आप इसे खोल सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन और योगा से आप अपनी शरीर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। बहुत कोई को ध्यान मेडिटेशन जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उन्हें शायद ये नहीं पता कि ध्यान आपकी जिंदगी को
पलट के रख देती है। लोग कहते हैं कि लाइफ को चेंज करने की कोई मैजिकल पिल नहीं है, कोई गोली नहीं है जिसे खा के हम अपनी जिंदगी पलट सकते हैं। पर आध्यात्मिक महापुरुषों के हिसाब से मेडिटेशन यानी ध्यान ही वो पिल है। क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में सुना है? अगर आप अपनी आंखों को बंद करके ही पूरे दुनिया में कहीं भी सैर कर लो तो इसे हम एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें आपकी आत्मा आपके शरीर के बाहर जाके किसी भी जगह घूम सकती है, पर आपका शरीर एक ही जगह पर रहता है। ये कहा जाता है कि जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है वो एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता है। इसकी मदद से आप एक दूसरे आयाम में ही जा सकते हो। आपने ऐसे कई ऋषियों और खास लोगों के बारे में सुना होगा जो दूसरों की मन की बात को जान जाते हैं। वो तीसरी आंख की मदद से ही ये सब कर पाते हैं। तीसरी आंख के खुलने के बाद आप फ्यूचर यानी भविष्य की घटनाओं को भी देख सकते हो। ऐसे लोग जो फ्यूचर को देख पाते हैं, टेलीकिनेसिस और मन की बात को पढ़ पाते हैं, ये सब वो तीसरी आंख की मदद से ही करते हैं। दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई के जरिए आपको परलोक की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। अगर आप मेडिटेशन यानी ध्यान को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्ति आती है। आपकी तीसरी आंख गतिशील और सक्रिय होने लगती है। अगर आप कुछ महीनों से लगातार मेडिटेशन करते आए हो और अगर आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे सक्रिय हो रही होगी तब आपके माथे पर खुजली होने लगी और आपको वहां पर अजीब सा प्रेशर महसूस होगा। आपको अजीब सा फील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया के परे भी कुछ है। क्या कभी आपने अपने अंदर की आवाज को सुना है? इस तीसरी आंख के खुलने के बाद आप दूसरे डायमेंशन यानी दूसरे आयाम की आवाजों को सुन सकते हो। हमें इस ब्रह्मांड के सारे आयाम बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं। अभी आपको शायद लगे कि ये दूसरा स्तर यानी दूसरा आयाम कैसा दिखता होगा। असल में आप अभी की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से इन सब चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें छठी ज्ञानेंद्री की जरूरत पड़ती है। पांच ज्ञानेंद्रियों से जो चीज नहीं दिखती है वो तीसरी आंख की मदद से आप देख सकते हो। आप ऐसी ऐसी चीजों को महसूस करोगे जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आपकी दिव्य चक्षु खुल गई तो आप अपने सारे समस्याओं का समाधान इसकी शक्तियों की मदद से आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे धर्मों का ये मानना है कि ये तीसरी आंख एक शुद्ध ऑर्गन है और हम लोग में से ज्यादातर लोग इसे यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम आध्यात्मिक तरीकों से अपनी जिंदगी को नहीं जीते। अगर आपको ये सुपर पावर्स चाहिए तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन सब टेंशन में रहते हैं और इसी स्ट्रेस के चलते हमारा तीसरा आंख ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको अपनी तीसरी आंख को खोलना है और शक्तियों को हासिल करना है तब इसका सबसे पहला और आखिरी स्टेप होगा मेडिटेशन। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैंने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने का प्रयास किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ और मुझे भी वो इस दुनिया के परे वाली फीलिंग कभी कभी आती है और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर किया। मैं अभी शुरुआत की स्टेज में हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए साथ मिलके इन पावर्स को हासिल करते हैं। नीचे कमेंट करना मत भूलना।